हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शशि गुप्ता'स किचन। आज मैंने बनाया है नींबू का खट्टा मीठा अचार। इसको बनने में हफ्ते से 10 दिन तक लग सकते हैं। ये बहुत टेस्टी अचार बनता है। आइए देखते हैं इसका वीडियो। वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शशि गुप्ता'स किचन, एंड कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़। बेल आइकन दबाइए जिससे आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आइए देखते हैं इसका वीडियो। नींबू का अचार डालने के लिए मैंने 1 किलो नींबू लिया है। ये मैं खट्टा मीठा अचार डालूंगी। 1 किलो नींबू को मैंने अच्छे से एक साफ टॉवल से पोंछ लिया है, किचन नैपकिन से। आप धोना चाहें तो धो भी सकते हैं, लेकिन धोने के बाद बिल्कुल अच्छे से ड्राई करना है उसको। चाहे धूप में सुखाइए या कपड़े से पोंछिए, उसमें ज़रा भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। अब मैं इनको सबको पीसेस में काट लूँगी। ऐसे देखिए, ऐसे कर लेंगे हम। इसका छोटा पीसेस करें तो अच्छा रहता है, क्योंकि वेस्टेज नहीं होती है बिल्कुल भी। ऐसे मैं काट रही हूँ और थोड़ा इनको हाथ से प्रेस करती जाऊँगी, जैसे इनका थोड़ा बहुत जूस निकलता है तो निकलता रहे साथ साथ। वो हमारे लिए बहुत रसीले नींबू बनते हैं। ऐसे मैं सभी अपने नींबू को काट के रख लूंगी। ये बहुत टेस्टी अचार बनता है, स्वादिष्ट, लेकिन इसको बनने में 1 हफ्ता लग जाएगा। मैं इसमें नमक डाल के इसको छोड़ दूंगी धूप में। आप बिना धूप के भी रख सकते हैं। खाली नमक डाल दूंगी और इसको रख दूंगी। ऐसे ही मैं सभी नींबू को काट लूंगी। फ्रेंड्स, मैंने सभी नींबू को चार चार पीसेस में काट लिया है और उससे भी और छोटा कर लिया है। आप जितना साइज चाहें उतना रख सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा, आप इसको प्रेस करके काटिएगा जिससे इसका थोड़ा थोड़ा जूस निकलता रहे। और कागजी नींबू लेना है अचार के लिए, हमेशा जूसी, मोटे छिलके का नींबू नहीं लेना है। मैं इसमें अब नमक डाल के 1 हफ्ते के लिए इसको रख दूँगी। 1 किलो नींबू मैंने लिया है, इसमें मैं 100 ग्राम नमक डालूंगी। अंदाजा से मैंने लिया है ये। पांच बड़े चम्मच डाल रही हूँ। इसमें आप चाहें तो काला नमक भी 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं। मैं जब मसाले मिक्स करूँगी तब डालूंगी वो काला नमक। अब मैं इसको एक बाउल में भर रही हूँ। मिक्स करके एक हफ्ते में इसका छिलका सॉफ्ट हो जाएगा, तब हम इसमें बाकी के मसाले मिक्स करेंगे। इसको धूप में ना भी रखें तो ऐसे भी ये सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने सॉल्ट डाल दिया है। मैंने इसके सब बीज निकाल दिए थे। ये सब मैंने इसमें डाल दिया है, देखिए। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस कर रही हूँ जिससे थोड़ा थोड़ा इसका रस निकल जाएगा और 2-3 दिन में और रसीले हो जाएंगे। इनका नमक भी पानी छोड़ता है। और फिर मैं इसको ढक करके रख रही हूँ। इसको अच्छे से बंद करके रख देते हैं। चलिए 1 हफ्ते बाद देखते हैं इसमें, तो मसाले मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने नींबू का अचार डालने के लिए इसको 1 हफ्ते के लिए धूप में रख दिया था काट के। अब ये देखिए, इसके छिलका सॉफ्ट हो गया है। देखिए, देखो सॉफ्ट हो गया, आराम से टूट रहा है। अब मैं इसमें बाकी के मसाले डालती हूँ। मसालों के लिए मैंने लिया है, 1 किलो नींबू था मेरा, उसके लिए मैंने ये घर का बनाया हुआ गर्म मसाला लिया है। मैंने घर में इसलिए बनाया क्योंकि बाज़ार में कई बार धनिया मिक्स होता है, धनिया अचार को ख़राब कर देता है, तो इसलिए बाज़ार से साबुत गरम मसाला लेके उसको मैंने फ्रेश बनाया है।
ये मेरा देगी मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च। कलर बहुत अच्छा देती है लेकिन तीखा नहीं करती है। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर वैसा भी है नॉर्मल। और ये मैंने काला नमक लिया है, थोड़ा काला नमक भी मैं डालूंगी। सादा नमक थोड़ा सा और डलेगा। और मैंने 1 किलो में आधा किलो शुगर लिया है, ये मैं शुगर डालूंगी। ये मैं खट्टा मीठा अचार बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें शुगर भी 1 किलो में आधा किलो डालूंगी। अब मैं इन सबको मिक्स करती हूँ। देखिए पहले मैं सब मसाले मिक्स कर लेती हूँ। मसाले के लिए पहले मैं चीनी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ भर के। 1 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च है, बाकी देगी मिर्च 2 चम्मच, सादा नमक 1 चम्मच, काला नमक 1 चम्मच भर के। ये सब मैं अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप इसमें चाहें तो अजवाइन डाल सकते हैं, थोड़ा सा डलेगा, आधा चम्मच के करीब अजवाइन। अब आपका जब तक ये चीनी घुल जाएगी तब ये अचार रेडी हो जाएगा खाने के लिए। अगर आप किसी भी चीनी डालें तो ये आप 1-2 दिन में ही खा सकते हैं, लेकिन मैं साबुत चीनी डाल रही हूँ। ये मिक्स कर लिया है मैंने। अब मैं इसमें नींबू की सब फाड़ियाँ डाल रही हूँ। अगर आप धूप में नहीं रखेंगे तो भी 1 हफ्ते में सब नींबू की फाड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। अब मैं इसमें नींबू का सब ये डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा लेके इसमें भरती भी जाऊंगी साथ साथ। इसका रंग बहुत अच्छा आता है रेड कलर। ये जार बिल्कुल आपका मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, जरा भी गीला ना हो, नहीं तो अचार खराब होने का डर रहता है। ये देखिए मैं इसमें भरती जा रही हूँ। दबा दीजिए ध्यान से थोड़ा थोड़ा। बाकी का भी मैं इसमें मिला लेती हूँ। बहुत स्वादिष्ट अचार लगता है, या पराठे के साथ खाइए। ये आपका रेडी है। अगर आप चीनी साथ में ही डालते हैं तब उसको गलने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए पहले आप उसको गला लीजिए 1 हफ्ता रख करके नमक के, उसके बाद आप चीनी मिक्स करेंगे तो इंस्टेंट बन जाएगा तैयार। अब चीनी घुलते ही आपका अचार तैयार है खाने के लिए। 1-2 दिन में चीनी आपकी घुल जाएगी इसमें। ना इस बोट में आता है मैं उसमें डाल के आपको दिखाती हूँ। देखिए पूरा भर गया ये। अब मैं थोड़ा सा इसमें नींबू का रस, जो मेरा ये था, ये वाला भी डाल रही हूँ। आपका फ्रेंड्स अचार तैयार है। इसको आप 2 दिन के लिए रख दीजिए बस धूप में। बिना धूप के भी आपकी चीनी मेल्ट हो जाएगी और ये खाने के लिए रेडी है। देखिए तैयार है आपका नींबू का खट्टा मीठा अचार।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मैं इसको ढक्कन लगा करके रख दूंगी 2 दिन के लिए।